नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय मिश्रा व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा तीन राज्यों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने पर मुजफ्फरनगर के हृदयस्थली शिव चौक पर भगवान आशुतोष के समक्ष भगवान को लड्डुओं का भोग लगाया गया और आतिशबाजी कर हर्षोल्लास के साथ सभी देशवासियों को प्रचंड बहुमत पर हार्दिक बधाई दी गई। अध्यक्ष संजय मिश्रा ने संयुक्त बयान में कहा कि तीन राज्यों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिले हैं, इस पर हम सभी देशवासियों को उनके जनादेश को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास करके विपक्षी पार्टी का सोपड़ा साफ कर दिया है, उसी प्रकार जनता ने अपना यह भी निर्णय लिया कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में अगली बार 400 पार के साथ सरकार भाजपा की आएगी। आज के इस आतिशबाजी मिष्ठान कार्यक्रम में राकेश त्यागी, सुरेंद्र मित्तल, विक्की चावला अरोरा, नवीन मित्तल, हरिओम शर्मा, बलविंदर सिंह, जयेंद्र प्रकाश, राजेंद्र अरोरा, महेंद्र नाथ, सचिन शर्मा आदि मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की तीन राज्यों में प्रचंड जो जीत हो रही है उसमें सभी देशवासियों को बधाई, और वहाँ के जो वोटर है उन्होंने जी से और जान से अपना वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और वहाँ के जो कार्यकर्ता है उनकी बहुत ही बड़ी मेहनत है, और ये एक सनातन धर्म की जीत है। जो सनातन धर्म के साथ है वो इसी तरह जीतता रहेगा, और यही आगे आप 2024 में देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और देश जो अभी इसी स्थिति में है और भी उज्ज्वल स्थिति में और सशक्त होगा। जो चुनाव हुए हैं उनका सेमीफाइनल माना जा रहा था 2024 के लिए, तो क्या लगता है 2024 को किस तरह देखते हैं? 2024 में आप 400 के पार होंगे, ना कोई टक्कर में है ना और किसी के चक्कर में जनता को पड़ना चाहिए, तो यही बात है, ना कोई चक्कर ना कोई टक्कर, भारतीय जनता पार्टी विजय रहेगी। मिजोरम के भी कल नतीजे आने वाले हैं, मिजोरम में भी देखो हमें भी बढ़त मिलेगी, खाली एक राज्य की हम कह नहीं सकते, बाकी चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।